प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। गुड़ विधानसभा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ विधायक नागेंद्र सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार सपा जैसी पार्टी से लड़कर 35,000 से ज्यादा वोट पाए थे कपिध्वज सिंह, कांग्रेस से इस बार उम्मीदवार हैं। वहीं तीसरी और अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने यहां से नए नवेले विदेश से आए 25 साल के लड़के प्रखर प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। प्रखर को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं था, लेकिन बदलते वक्त के साथ गुड़ विधानसभा में झाड़ू दिखाई देने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, गुड़ विधानसभा में कमल खिलेगा या एक बार पंजे पर लोग विश्वास करेंगे या फिर गुड़ विधानसभा में झाड़ू लगेगी, ये तो तय करेगी गुड़ की जनता 17 नवंबर को। हमारी टीम ने गुड़ विधानसभा का दौरा किया, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रखर प्रताप से बात की, उनके कॉन्फिडेंस को देखकर वहां इलाके के लोगों से बात करके ऐसा महसूस हुआ क्या विंध्य में आम आदमी पार्टी खाता अपना खोल सकती है। आइए आपको सुनाते हैं प्रखर प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। अगर मैं अपने आप को पढ़ा लिखा मानता हूँ तो अपनी ज़िंदगी में अब जो भी मैं निर्णय लूँगा उसके पीछे मेरी खुद की भी सोच है, मेरी खुद की भी समझ है। अगर इतने कम समय में अगर मैंने सोचा था कि मैं इस पद में, इस मंच में आगे आऊँगा, क्योंकि सबसे पहली बात थी मेरी एलिजिबिलिटी की, तो मेरा जन्मदिन कुछ ही महीनों पहले बीता है और इस समय में अगर मैंने निर्णय लिया है तो ये कोई मंच बनाने के लिए नहीं लिया है कि आने वाले समय में मुझे इसमें मौका मिलेगा। मुझे पॉसिबिलिटी सामने नज़र आ रही थी कि लोगों की इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, बस इनको अगर लोगों के सामने सच रखा जाएगा, लोगों को विश्वास दिलाया जाएगा कि अपना कोई घर और पहचान मान के इनका समाधान कर सकता है, तो ये जो समझ आई थी वो जो मेरे घर के बड़े हैं उनके मार्गदर्शन से, जो क्षेत्र के बड़े हैं उनके मार्गदर्शन से, कि मुझे एक अपनी लकीर बनानी है और वो लकीर मैंने बनाई। मुझे एक अपना उद्देश्य बनाना है, अपनी विचारधारा बनानी है और 25 साल की उम्र में ये चीज़ें रहना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का जो मार्गदर्शन है उससे जो मजबूती मेरी विचारधारा को आई है उससे बस अपन काम करते गए और यहाँ पे जो व्यवस्था बनती गई वो आप सबके सामने है। एक तरफ 79 साल के बुजुर्ग, दूसरी तरफ 25 साल का युवा, तो कैसा ये एक संघर्ष है और कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं? सर, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि गुड़ विधानसभा 75 एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, इसकी समस्याओं को नज़रअंदाज इतने सालों से किया गया कि आज समस्याओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सबसे पहले मैं अब लोगों को बता रहा हूँ कि जो मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ कि इसके लिए चाहिए स्वस्थ शरीर और साफ नीयत, क्योंकि विधानसभा इतनी बड़ी है, हर मौके पर पहुँचना, हैंडपम्प की व्यवस्था देखना, ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था देखना, लोगों से मिलना, समस्याओं को सुनना, समस्याओं का समाधान करना और विकास करना, इन सब चीज़ों को सबको हासिल करने के लिए एक स्वस्थ शरीर और साफ नीयत की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं 25 साल 7 महीने का हूं और युवा हूं और युवा एक शक्ति है, वो मैं जानता हूं कि बड़ों का जो अनुभव है उसके मार्गदर्शन के बिना इस शक्ति को दिशा मिलना संभव है और मार्गदर्शन भरपूर रूप से मुझे मिल रहा है, ये आप सब देख सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका इटली की चमचमाती सड़कें, ऊंची बिल्डिंगें छोड़कर फिर वापस वहीं धूल भरी सड़क नाली, कैसा लगता है ये सब देख? सर, अमेरिका, इंग्लैंड, टिम्बकटू, कहीं भी आप चले जाइए मगर मेरा नाम तो प्रखर ही रहेगा, मेरा घर तो रायपुर करछुलियान ही रहेगा। तो अगर मैं विकास के सही उदाहरण देख रहा हूँ और मेरे घर में ये सही उदाहरणों की एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जा रही है तो तकलीफ़ नहीं होगी फिर।
और अगर आज मैं वहीं बस जाता तो मैं पाप कर रहा होता, और अगर वापस आया हूँ, सही उदाहरणों को समझ के आया हूँ, पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, तो इन सब समझ के और अपना जो हुनर है वो अपने क्षेत्र में दे के ही तो मुझे शाबाशी और पीठ पे थपथपी मिलेगी। प्रखर का साफ तौर से कहना था, आज आजादी के 70 साल बाद भी हम मूलभूत समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क के लिए परेशान हैं। मैंने विदेश में रहकर पढ़ाई की, साफ सुथरी सड़कें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? जरूरत है इच्छा शक्ति की, बड़े आसानी से ये सारे काम हो सकते हैं। फिर मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, जिस तरीके से शानदार बिल्डिंग की डिज़ाइन किया करता था, कुछ ऐसा ही अपने क्षेत्र की डिज़ाइन करके इलाके की तस्वीर आसानी से बदल दूंगा, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।